अमन भल्ला फाउंडेशन में कॉलेज के चेयरमैन रमन भल्ला की अध्यक्षता में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ADC डेवलपमेंट मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मौके पर बताते हुए चेयरमैन भल्ला ने बताया कि पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कॉलेज में रोजगार मेला लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में लगने वाला यह 7वां रोजगार मेला है, जिसमें 46 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया है। वहीं इस मौके पर डिप्लोमा होल्डर्स व डिग्री होल्डर्स को विभिन्न विभिन्न कंपनियों में चयनित किया गया। आज जो जॉब फेयर यहाँ पे लगाया गया अमन भल्ला कॉलेज के अंदर, ये पंजाब सरकार द्वारा 7वां रोज़गार मेला है, जिसमें पंजाब सरकार का टारगेट है कि हमारे अपने ज़िले में 10,000 के करीब करीब उन्होंने नौकरी देनी है। और इन बच्चों को, जो बच्चे ग्रेजुएट अपना डिप्लोमा से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक हैं, वो सारे इन रोज़गार मेलों में शामिल हो सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ने एक टीचर फिक्स किया हुआ है 10,000 बच्चों का, वो इन मेलों के द्वारा जो ये जॉब फेयर लगते हैं, इन जॉब फेयर का फ़ायदा उठा के अपनी नौकरी ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट का जो मिशन चल रहा है घर घर नौकरी, उसके तहत ये रोज़गार मेले लगाए जाते हैं। और आज अमन भल्ला कॉलेज में ये लगा है, अभी तक तकरीबन 500 के लगभग बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है करवा चुके हैं, और उम्मीद है कि आने वाले आगे घंटे दो घंटे में और भी बच्चे जो हैं वो आएंगे। टोटल आज 41 कंपनियों के करीब करीब जो हैं इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इसमें जो नामी कंपनियों का अगर हम नाम लें, कोको कोला है, सोनालिका है, बिग बाज़ार है, हीरो साइकिल वाले हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां, जैसे ये सारा हमने पीछे अपना बोर्ड लगाया हुआ है, जो जो कंपनियाँ प्लेस हो रही हैं, स्वराज ट्रैक्टर वाले हैं जैसे, तो बहुत सी अच्छी कंपनियां यहां पे आए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के इस दिन में ये बहुत सारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और जो सरकार का, जो पंजाब सरकार का मिशन है घर घर नौकरी देने का, उस मिशन में हम योगदान करेंगे और एक अच्छी बच्चों की प्लेसमेंट अमन भल्ला कॉलेज में हम करवा के, जो गवर्नमेंट का टीचर है उसको हम पूरा करने में सहयोग करेंगे। पहले हमारे जो कॉलेज में टोटल ये जो जितनी बार भी रोज़गार मेले हुए हैं, हर मेला जो है हमारे कॉलेज में यहाँ पे लगता है। और अगर डेटा की बात करें तो जो इससे कोरोना के दौरान पिछले साल एक मेला नहीं हो पाया, उससे पहले जो मेला हुआ 2019 का, वो बहुत ही सक्सेसफुल था, जिसमें तकरीबन 2,000 के करीब करीब बच्चा तब आया था, और 800 के करीब करीब तब प्लेसमेंट 843 के करीब करीब प्लेसमेंट तब हुई थी उस मेले में। तो आज भी मैं समझता हूँ कि अच्छा एक योगदान हम रोज़गार की तरफ देंगे। अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में आज रोज़गार मेला, जो कि 7th रोज़गार मेला है पंजाब सरकार की तरफ से, वो लगाया गया है। इसमें नामी कंपनीज़ हैं, तकरीबन 46 कंपनीज़ हमने अप्रोच करी थी, जिसमें से 41 कंपनीज़ हमारे कॉलेज में आ चुकी हैं, और उनमें से जानी मानी कंपनी सोनालिका, कोको कोला, पेप्सी, ICICI बैंक है, उसके अलावा हीलिंग हर्ब्स हैं, नवीन वायर्स हैं, पेटीएम है, विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाज़ार है, और सारे ही सेक्टर्स को हमने कवर अप करने की कोशिश करी है। ये चाहे 10th क्लास का बच्चा है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा है, चाहे 12th क्लास का बच्चा है, ग्रेजुएट बच्चा है, कोई भी आकर अपना रोज़गार ले सकता है। अभी तक 500 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई है, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली चल रही है। आप नीचे जाके देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन काउंटर में अभी भी लाइन लगी हुई है। तो 4-5 बजे तक ये मेला चलेगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिस्पांस हम दे पाएंगे, और इस इलाके के लोगों को हम अच्छा रोज़गार प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके अलावा, ये रोज़गार मेला के अलावा भी अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर एक प्लेसमेंट सर्विस है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस इलाके के अंदर मुहैया कराई गई है। तो कोई भी बच्चा जो इस इलाके के अंदर आसपास के बेल्ट में, कोई भी बच्चा हमारे पास आकर रजिस्टर कराता है,
तो हम कोशिश करते हैं कि उसको रिज्यूम बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यू में कैसे उसको पास करना है इंटरव्यू, वो भी सिखाते हैं और प्लेसमेंट कराने की भी हमारी पूरी कोशिश होती है। तो मीडिया भाइयों से हमारी यही गुजारिश है कि इस बात को आप आगे से आगे पहुँचाएँ, ताकि जो भी मतलब जिसको भी ज़रूरत है नौकरियों की, वो हमारे कॉलेज में आकर इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।